40 साल पुराना इलाके का मन्या पर मन्या आयुष्मान भारत योजना अधीन चल रहा एको एक हस्पताल बजाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड शिशु केयर सेंटर माल रोड बठिंडा 24 घंटे एमरजेंसी सुविधा नवजम्या बच्चों लिए आईसीयू केयर सेंटर इस वेले की अहम खबर बठिंडा तो 42 साल पुराना इलाके का मन्या परमन्या आयुष्मान भारत योजना अधीन चल रहे बजाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड शिशु केयर सेंटर की अपने आप दे विच वक्री पछाण है। शहर की माल रोड से स्थित इस हस्पताल नू डॉक्टर के बजाज ने इलाके दे लोकां नू वधिया इलाज की सहूलत प्रदान करन दा सुपना लैके शुरू किया सी ते अज ये हस्पताल बठिंडा ही नहीं बल्कि पूरे मालवे दे लोकां नू वधिया सेहत सेवावां देण दे नाम नाल जाणिया जांदा है। NC7 न्यूज़ नाल विशेष गलबात दे दौरान हस्पताल दे MD डॉक्टर के बजाज अते ICU यूनिट दी सीनियर डॉक्टर दीप्ति बजाज पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट ने दसिया कि नवजम्या बच्चों लई हस्पताल विच हर एक सुविधा उपलब्ध है जिवें कि 7 माहे बच्चों लई आधुनिक मशीना सांह वाली मशीना यानी कि वेंटीलेटर पीलिए दे इलाज लई स्पेशल ICU केयर गरीब परिवारों लई आयुष्मान भारत योजना अधीन बिना कागजी कार्रवाई बिल्कुल फ्री इलाज तो इलावा 24 घंटे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम वर्गियां अनेक सहूलतां उपलब्ध ने। उन्हां कहा कि हस्पताल का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि इलाके के लोगों नूं घट रेट दे विच वधिया सेहत सहूलतां देना है। सारे इलाके निवासियों नूं पता ही है कि हस्पताल बच्चों की हर तरह की बीमारियों का इलाज हर तरीके नाल बहुत अच्छी तरह अपने वालों सहूलत बच्चों दे रहा है। बच्चे की कोई भी बीमारी होवे नवजन्म बच्चे तो लैके 18 साल तक के बच्चों की हर तरह की बीमारियों का इत्थे बड़ी अच्छी तरह कोशिश की जाती है कि बच्चों का अच्छा इलाज किया जाए। साढ़े को बड़ी वधिया आधुनिक मॉडर्न नर्सरी है जिथे नवे जन्मे बच्चे का 7 माह का 8 माह का जो भी बीमारी होवे उन्हें पीलिए की बीमारी होवे साह की तकलीफ होवे इस दे वास्ते साढ़े नाल डॉक्टर दीप्ति बजाज जिहड़े कि सर गंगा राम हॉस्पिटल तो अपनी डिग्री करके आए हैं बच्चों की वो अपनी पूरिया सेवावां न्यूबॉर्न नर्सरी के वास्ते दे रहे हैं। खास तौर पर यह असी लोगों अपील करांगे कि आयुष्मान स्कीम पंजाब सरकार की भारत सरकार की बहुत ही वधिया स्कीम है। हरेक गरीब परिवार को एक कार्ड जरूर बनवाना चाहिए है। जे तुहाडे कोल एक कार्ड होवे जिन्ना मर्जी महंगा इलाज होवे चाहे बच्चा 10 दिन रहे चाहे 15 दिन रहे चाहे बच्चा वेंटीलेटर ते रहे चाहे बच्चे का खून बदलिया जाए जिंदा खर्चा अदरवाइज 50-40 हज़ार रुपये आ जाता है कोई भी पैसा एक भी पैसा मरीज का नहीं लगता। मैं नोट किया है अजे भी बहुत सारे जेडे जेन्युइन लोग हैं गरीब लोग हैं उन्होंने अपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए। हरेक नू अपने सरपंच नू मिलके अपने SDM साहब नू मिलके जिन्हों की आमदन घट है जिन्हों के कोल नीले कार्ड हैं जिन्हों को खेतीबाड़ी के कार्ड हैं अपने आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाण तो इस स्कीम का इस दे विच कोई भी गरीब अपना इलाज वड्डी तो वड्डी बीमारी का मुफ्त करा सकता है। इत्थे गरीब मरीज का पूरा ख्याल रखा जाता है कोशिश की जाती है कि उन्हें बिल्कुल सस्ते तरीके नाल इलाज तो वधिया इलाज मुहैया कराया जाए जिहड़ा कि पिछले 30-32 साल तो इस तरीके चल रहा है। तो मैं सारे लोगों नूं अपने वालों शुभकामना देना तो खास तौर पर यह कहना कि जिहड़ा वक्त चल रहा है इस वक्त दे विच अपने कोविड तो बचन दे वास्ते 2-3 चीज़ा जिहड़ियां रोज़ सरकार कह रहे हैं रोज़ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है उन्दे तो बिल्कुल कुताही का वर्तन मास्क हमेशा पा के रखन मास्क बहुत जरूरी है ते 6 फुट की दूरी बहुत जरूरी है भीड़ वाले इलाके च ना जान इन्हां चीज़ा बार बार हाथ धोन ते ये हुण आपां अपना परहेज ते जिहड़े एलिजिबल लोग हैं 45 साल तो उपर उन्हां नूं ये टीका जरूर लगवाना चाहीदा है। टीका बिल्कुल सुरक्षित है असी सारे डॉक्टर्स ने सारे स्टाफ ने सारे शहर वासियों ने बहुत कोशिश की है कि टीका लगाया जाए तो मेरी यही अपील है कि जेड़े भी 45 साल तो उपर कोविड का इंजेक्शन जरूर लगवान सरकारी हस्पताल सब जगह ये फ्री है ईवन कैंप भी लगा रही है गौरमेंट हर महल हर जगह उ जाके टीका लगवान मास्क बिल्कुल ना छड़न तो पीड़ वाले इलाके ना जान तो सबनों महाराज जड़े है तंदुरुस्ती बख्शे यही साड़ी शुभकामना है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਬਜਾਜ ਬਜਾਜ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਜਾਜ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਰਵਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀਪੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਸੀ7 ਨਿਊਜ਼।